हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं सौरभ आ चुका हूँ फिर से एक न्यू राइड के साथ। तो 7:30 बज रहे हैं, मैं लॉगिन कर चुका हूँ उबेर में, मेरा पहला राइड आ चुका है। कल मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया भाई, रैपिडो एंड कस्टमर दोनों ने कर लिया। तो वो मैं आगे आप लोगों को बढ़ाऊँगा, वीडियो को कंटिन्यू रखना, आप लोग स्किप करके मत देखना। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ पहले उबेर का पिक करने, भाई ग्रीस पार्क का ये पिकअप ड्रॉप है। तो चलो जल्दी से जाता हूँ, इनको लेट हो रहा है। फिर रास्ते में आपको मैं बताऊंगा कि कल रैपिडो एंड कस्टमर ने क्या फ्रॉड किया मेरे साथ। मिस्टेक हमसे यही हो गया कि मैं वीडियो बनाना भूल गया, और रीज़न ये था कि मेरा माइक जो है ना, उसका बैटरी डाउन हो चुका था। तो सबसे बड़ा मिस्टेक के कारण मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। तो कोई इशू नहीं, मैं जा ही रहा हूँ अभी, मैं आपको स्टोरी पूरा बता दूंगा। एंड इस तरह के फ्रॉड से आप कैसे बचोगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो काइंडली बने रहे वीडियो के साथ एंड एंजॉय करो। तब तक सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। क्यों बोलें, फोर्टी टू थर्टी सेवन बोलो। अच्छे तो कंप्लीट 10 किलोमीटर का भाई राइड था, जिसमें कि मेरे को मिला 83, बट कस्टमर ने दिया 100 रुपीज़। चलो हाँ, 100 रुपीज़ दिया भाई। एंड केस जो है ना बहुत भयंकर वाली हुई है, तो इसलिए मैं फ्री हो करके ही आप लोगों को बताऊंगा। काइंडली आप लोग वीडियो देखते रहना, एंड इस फ्रॉड से बचने के लिए आप लोग क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। तो रैपिडो को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे तो पैसा लेकर ही रहूँगा। बाकी देखते हैं राइड कब तक आती है, एंड रैपिडो कस्टमर केयर को ही फ़ोन करना है मेरे को। लो भाई, उबेर में दूसरा राइड भी आ चुका है, इनको जाना है लेक टाउन, और मैंने पिक कर लिया 400 मीटर का पिकअप डिस्टेंस है। तो मैं गली गली जा रहा हूँ, क्योंकि मेन रोड से जाने में यू टर्न वगैरह नहीं होती है, तो इसीलिए सोचा कि मैं गली गली जा कर के उनको पिक करता हूँ। तो चलो, आ भी गया ऑलमोस्ट। हाँ दे दे रहा, दे रहा। ये प्रो कैम क्यों लगा के रखे हैं? सेफ्टी के लिए। क्यों? हाँ ऐसे ही ब्लॉगिंग वगैरह। हाँ वो ब्लॉगिंग करते हैं क्या? वो इसीलिए क्या वो दिए, वो हेलमेट दे दिया। हाँ पुलिस भी है सामने में। 30 एस कुमार ब्लॉग है क्या? हाँ जी, हाँ जी। वही तो डर लगता है ना जी। अच्छा मेरे को भी डर लग रहा था, कहीं मेरे को हाथ ना दे दे। अच्छा हाँ Oh,
गई राइड अपनी कंप्लीट, जो कि था ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का, 5-5.5 किलोमीटर का। तो बना है कितना, 57 समथिंग बना है, देखता हूँ अभी। ये देखो 57 रुपीज़ बना है। चलो इसको कंप्लीट करता हूँ भाई, रेटिंग दे दो एंड वेट करते हैं नेक्स्ट राइड आने का। सुबह सुबह है, राइड अच्छी खासी आएगी। चलो 3 नंबर राइड आ चुका है मेरे को उबेर से, और मैंने पिक कर लिया है एंड डिस्टेंस दिखा रहा 1.7। तो चलो इसको जाते हैं जल्दी से पिकअप करते हैं भाई, क्योंकि जितना डिले करूँगा उतना डिले होगी राइड में। क्या बोले, 0618 गलत हो गया, गलत है, 6018 है। अब 0 आगे ला दे रहे हो, 6 को पीछे कर दे रहे हो। कहाँ जाना है? तो करंट लोकेशन भेजा है, कहाँ भेजा है? वो नवो होटल ऐसे कुछ होगा सर। नवो होटल, अच्छा। घुमा ले, अटैक हो रहा अपना लोकेशन। हिंदी अटकता है आपका क्या? है? हिंदी आता है आपको? थोड़ा बहुत आता है। इसने देख रहा था, अटक अटक के बोल रहे थे। बंगाली हो ना थोड़ा वॉइस में। हाँ हाँ थैंक यू। ये भी चलन भी है क्या? हाँ सर्च कीजिए, कल आप भी इस वीडियो में आ चुके हैं, आप भी इस वीडियो में आ चुके हैं, आज का वीडियो में आप भी हैं। एस कुमार ब्लॉग, वी वी ओ जी, ये पहला वाला। हाँ हाँ, तो गाइस ये वाला राइड हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड 92 रुपीज़ का राइड था कंप्लीट। भैया ने 120 रुपीज़ दिया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब किया भैया ने। चलो अब निकलते हैं नेक्स्ट राइड के लिए। इस राइड में मेरे को 96 मिला उबेर की तरफ से। चलो कोई बात नहीं, अभी तक की अर्निंग 226 रुपये एंड 20 रुपये उधर ऐड कर लो भाई, मतलब 250 रुपये की अर्निंग अभी तक हो चुकी है। टाइमिंग जो है ज़्यादा नहीं हुआ अभी तक, 9:14, मतलब पकड़ लो डेढ़ घंटे में हमारा 250 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। तो चलो एक राइड मैंने रैपिडो में एक्सेप्ट किया, बट मेरे को इसमें डाउट है। टेंगड़ा यहाँ पर दिखा रहा था ITC रॉयल बंगाल, बट ये इतना नज़दीक नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे 7 किलोमीटर ही दिखा रहा था। तो चलो चलते हैं इनको पिकअप करने के लिए, देन देखता हूँ कि कितना क्या है। अबे मेरा ही है 8632, गाड़ी नंबर देख लीजिए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं दो दो बंदे थे ना, कंफ्यूज हो रहा था। बोलिए, समीर अपने है क्या? नहीं नहीं, क्या पिन? 5000। जाम कर रखा हुआ है। हाँ हम 8 तो कैंसिल किए। आप 8 कैंसिल किए, कस्टमर राइडर कैंसिल किया? हम किए, क्यों? टाइम लगा रहा, सब घूम घूम के आ गए। हाँ तो क्या, पूरा जाम है इधर रास्ता, टाइम नहीं जाम रखा। मेरे को
से 9 बजे तक पहुँचना है। विश्वास नहीं करोगे भाई, 9:14 से हम सोचे 10-15 मिनट लेगा, निकल जाते हैं। 10-15 मिनट की जगह में मेरा आधा घंटा यहाँ निकल गया। इतना फास्ट हमको मतलब उधर पहुँचे, लेकिन भाई आराम से ही ये करना तो स्मार्ट दिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट दिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार, स्मार्ट का बात नहीं है। स्मार्ट दिख करके भी गाली सुनना पड़ता है बस। वो तो होता ही है जॉब में। चलो भाई, अब मेहनत करने का वक्त है। हाँ, तो ये राइड हो गया हमारा कंप्लीट। ITC रॉयल बंगाल आ चुका हूँ एंड यहाँ आने का मन नहीं करता, जल्दी राइड मिलती नहीं है, कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती है, खाली भगा के जाना पड़ता है यहाँ से। तो ये राइड 74 रुपीज़ का कंप्लीट कर दिया मैंने, कैश पेमेंट था। ये दे देता हूँ, चलो अब देखता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है। भाई ये कौन बार बार कॉल कर रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे। ये देखो मैंने दो दो पत्ते खरीद के रख लिए भाई, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है ना, आप लोग को वीडियो नहीं दे पाता हूँ मैं इसके चक्कर में। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी इस बार ना गवा करके मैं दो पत्ते ही खरीद लिया हूँ, पूरा 20 पीस हमारे पास बैटरी है, ताकि कभी भी आप लोग को किसी भी तरह का वीडियो में जो है कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो गाइस 2.5 घंटे में 300 की अर्निंग हो चुकी है, और आप लोग को मैं जो केस हुआ था कल रैपिडो का पार्सल डिलीवरी में, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो हुआ यूँ कि मैं 12 बजे एक ऑर्डर मेरे को आया पार्सल डिलीवरी का, तो मैंने उसको पिक किया, लोकेशन पे जाकर के पिकअप किया, एंड वो डिलीवरी लोकेशन जो था वहाँ से 30 किलोमीटर ड्रॉप लोकेशन था, तो मैं लोकेशन पे चला गया। बीच रास्ते में कस्टमर ने, जो ड्रॉप वाले कस्टमर, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहा क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, तो जिसके कारण क्या हुआ कॉल डिस्कनेक्ट हो गए। फिर मैं लोकेशन पहुंचा और आधे घंटे, एक घंटे, डेढ़ घंटे बीत गए, लेकिन कस्टमर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। एंड जो पिकअप वाले जिससे मैं पिकअप किया उनसे बात कर रहा हूँ, तो वो उनको फ़ोन कर रहे हैं, तो उनका भी सेम केस, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो ऐसे ही चलते रहा। फिर बाद में मैंने बोला एक काम करो, आप अपना फ़ोटो भेजो, ठीक है, मतलब ड्रॉप वाले का जिसको मैं, मुझे पार्सल डिलीवरी करना है, उनका फ़ोटो भेजो पिकअप वाले को, मैंने ये बोला। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा मेरे को, मैंने फ़ोटो मिलाया तो वहाँ पे बंदे मिल गए मेरे को, और पता चला कि वो एक फ्रॉड बंदा था, क्योंकि उसको 5-6 लड़के मिल करके मार रहे थे, ठीक है। मारने के कारण क्या हुआ मेरे को पता चल गया, मैंने फ़ोटो से मिलाया उनका फेस को और देखा कि यही बंदा है। तो वो सीधा बोले भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये ऑर्डर कैंसिल करवा दूँ। मैंने बोला ये कैसे पॉसिबल है, आपको जब कैंसिल ही करना था तो इतना दूर मेरे को क्यों ले गया आप, मेरे को पिकअप टाइम में ही बोल देते कि आप मत पिक करो, मैं पिक नहीं करता। तो स्कैम ये करके रखा था उन्होंने, किसी उनके अपने फ्रेंड सर्कल ही थे, मतलब पाड़ा के लड़के लोग रहते हैं गली मोहल्ले के, तो उसी का वो पैसा जो है स्कैम कर लिया था, ठीक है। तो वो लोग मिल करके उससे पैसा मांग रहे थे, नहीं दे रहा था, वो कहाँ कहाँ फ़ोन वोन करके पैसा मंगवा रहे थे, इसी कारण से बिजी आ रहा था बार बार कॉल। तो इस चक्कर में मेरा बज गया 12 बजे का ऑर्डर, 5 बज चुके थे, मेरे को बहुत गुस्सा आने लगा भाई, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास पार्सल था, पैसा नहीं था मेरे पास, एंड नहीं मेरे को वो ड्रॉप का पिन दिए, ठीक है, और नहीं मेरे को पैसा दिए, नहीं पार्सल दिए, ये केस हो गई थी। तो लास्ट में मैंने हेल्प सपोर्ट में बात किया, हेल्प सपोर्ट में ऐसे स्टार्टिंग से मैं कॉल कर रहा था कि मेरे को कस्टमर नहीं मिल रहा है, ऐसा ऐसा बात हो रहा है, सब हर एक आधे घंटे में इंफॉर्मेशन में रैपिडो वाले को दे रहा था। तो एक बंदे ने मेरे को बोला, एक एम्प्लॉय ने, कि आप एक काम करो रैपिडो के ऑफिस जाओ, वहाँ पे पार्सल को आप रख देना, ठीक है, दे देना, एंड वहीं पे ट्रिप को कंप्लीट करना। तो मैं 5:30 बजे वहाँ से निकला, आते आते 5:45 बज गए थे, सॉरी 5 बजे मैं निकल गया, आते आते 6 बज गए थे, 11 किलोमीटर।
30 किलोमीटर उधर एंड 11 किलोमीटर इधर, 40 41 किलोमीटर हो गया भाई। एंड जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पे वो ड्रॉप नहीं हो रहा था, पता है क्या बता रहा था कि आपको, सॉरी ड्रॉप ऑफिस का लोकेशन 14 किलोमीटर था, मैं गलत बता रहा, 14 किलोमीटर ऑफिस का लोकेशन था। तो 30 मैंने ड्रॉप करने गया था एंड ऑफिस जाने में 14 30 40 44 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो चुका था, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम हुई वो आ रही थी ड्रॉप को लेकर के। जब मैं ड्रॉप मार्क कर रहा था भाई, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, वो मेरे को बार बार बोल रहा था कि आप जो है निकलो, कहाँ आप निकलो, लोकेशन पे जहाँ जहाँ पे आपको इसको ड्रॉप करना है, आप 11 पॉइंट समथिंग लोकेशन दिखा रहा था, उतना दूर आपको जाना पड़ेगा तभी आप जो है इस ऑर्डर को कंप्लीट कर पाओगे। एंड उस लोकेशन पे मैं तो भाई 4 घंटे से था ना, मैं ड्रॉप कर रहा था लेकिन बंदा पिन दे तब तो मैं कर पाता। इस लोचे में मैंने समझ में नहीं आता क्या करूं एंड कस्टमर सपोर्ट मेरे को कुछ हेल्प नहीं कर रहे थे। तो फिर जो रैपिडो के ऑफिस में जो भैया थे उन्होंने बोला कि एक काम करो, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट का बहुत कम चांस है, लेकिन रिस्क ले सकता हूँ भाई। तो मैंने बहुत सोचा समझा और जा कर के 7:15 बजे इस ऑर्डर को कैंसिल करवाया, ठीक है। वो बोले कि मैं मेल वेल कर देता हूँ, पेमेंट आने का चांसेस है। मेरा वहाँ पे 450 का नुकसान हो गया भाई। तो यही एक बात आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, जब ऐसा कुछ हो ना तो आप लोग एक ही काम करना, ड्रॉप लोकेशन पे जाना, आधा घंटा वेट करना, यदि कस्टमर कॉल पिक वगैरह ना करे तो आप हेल्प सपोर्ट में इंस्टेंट कॉल करो, पिन नहीं देंगे, ठीक है। पिन उन लोगों के पास होता है, नहीं देंगे, या नहीं तो आपको रैपिडो ऑफिस का नंबर है आपके सिटी का तो आप उनसे कॉल करके पिन मांग लेना। आप यदि पिन नहीं मांगोगे ना तो आपका वो कैलकुलेट ही नहीं होगा और फिर आप ऑफिस जाओगे या पिकअप लोकेशन पे जाओगे तो फिर आपका वो बकवास हो जाएगा भाई। हाँ, लेकिन इतना मेरे को वो हेल्प सपोर्ट ने बताया था कि आप जितना किलोमीटर आप घूमोगे ना उतना आपका अमाउंट उस हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाएगा। तो मैंने जितना घूमा भाई, मेरे 450 रुपये वहाँ पर दिख रहा था, भैया बोल रहे थे 450 दिख रहा है, तो दिखने से क्या होगा भाई, जब मिलेगा नहीं तो क्या फ़ायदा। तो ये हुए थे केस। तो आप लोग के साथ यदि ये होता है ना तो ध्यान से इस चीज़ को फॉलो करना, ड्रॉप लोकेशन पे जाना एंड वहीं पे जैसे भी उनसे पिन मांगो, पिन मांगने के बाद आप कंप्लेंट डालो कि बंदा जो है पेमेंट वेमेंट नहीं कर रहा है एंड पार्सल उसको मत देना, सीधा जाकर रैपिडो ऑफिस में जमा करना, लेकिन ड्रॉप वहाँ पे मार्क करके ही जाना भाई। अगर ड्रॉप मार्क नहीं करोगे तो पूरा का पूरा आपका लॉस हो जाएगा। तो यही केस हुआ था हमारे साथ। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से, चाहे ओला हो, उबेर हो, रैपिडो, किसी का भी आप पार्सल का काम करते हो, चाहे जोमेटो, नहीं जोमेटो और स्विगी का एक अलग स्टोरी भाई, उसका जो है मैं ये चीज़ देखा हूँ कि हेल्प करते हैं काफ़ी हद तक। अगर कोई बंदा ओटीपी नहीं देता है तो वो स्विगी वाले जोमेटो वाले दे देते हैं, बट रैपिडो का मैंने पहली बार ऐसा सुना कि वो। तो इस चीज़ को इतना फैला दो कि रैपिडो ऑफिस तक पहुँच जाए, रैपिडो कंपनी तक, एंड मेरा ये पैसा मिल जाए। हमें आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को इतना वायरल कर दो भाई कि हमारा जो ये नुकसान हुआ है एटलीस्ट उसका भरपाई आ जाए। एंड अभी भी मैं जो पिकअप वाला कस्टमर है ना उसको अभी भी कॉल कर रहा हूँ लेकिन कॉल नहीं उठा रहा है। देखता हूँ अगर जो पॉसिबल हो पाया वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग बस इस वीडियो को इतना फैला दो कि रैपिडो तक पहुँच जाए एंड ऐसे स्कैमर लोगों से काइंडली वो कैश पेमेंट वाला ऑप्शन ना ही रखे तो बेहतर है। मैंने ये भी कहा कि आपने कैश पेमेंट वाला ऑप्शन क्यों दे रखा है, हर एक को सीधा ऑनलाइन रखो। जिसके पास नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जिसके पास ऑनलाइन सुविधा है, और वो इतने बड़े स्कैमर थे कि वहाँ पे जो भाई लोग थे जिनका पैसा वो खा गए थे, वो लोग जो है क्या कर रहे थे वहाँ पे उसका फ़ोन वोन छीन करके। मैंने बोला भैया एक काम करो, आप इसका जीपे वगैरह ओपन करो। जीपे वगैरह ऑन हुआ ना भाई, जो उसका जो IDBI बैंक था, IDBI बैंक, वो बैंक में जानते हो कितना पैसा मिला? 1 लाख रुपये से ज़्यादा, 1 लाख रुपये से ज़्यादा। मतलब इतना स्कैमिंग कर करके, इनका छोटा मोटा गैंग नहीं था भाई, वो कितना बंदे को मतलब उसमें थे
क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत सारे बंदे हैं उन लोगों के साथ स्कैमिंग करने में। तो लाख रुपए था लेकिन वो यूजलेस, नहीं उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हो, नहीं कहीं ट्रांजेक्शन, नहीं पे कुछ भी, बिकॉज बैंक भी समझ चुका था, तो इसलिए उनका अकाउंट को कर दिया था सीज़। तो हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया पेमेंट वेमेंट के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं, एंड उसके पास कुछ। तो फ्रेंड टाइम हो चुका है 10:41 एंड मैंने बंद कर दिया सारा एप्लीकेशन, मेरे करने का ही मूड नहीं है। कल को लेकर के काफ़ी मेरा मतलब मूड ख़राब हो चुका है। खैर आज का अर्निंग जो है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मेरा अर्निंग हुआ है टोटल 310 रुपये। हाँ एक्स्ट्रा लगा करके, वो जो भैया ने मेरे को 22-23 रुपये समथिंग एक्स्ट्रा दिया था उसको लगा करके 310 रुपये, तो पकड़ लो हमारा 50-60-70 रुपये का तेल जला होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो 230 रुपये तक का अर्निंग हुआ है 7:30 बजे से लेकर के 10:45 बजे तक। तो ऐसे ही आप देख सकते हो, तो 10 बजे तक ही आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि अभी तो 45 मिनट से कुछ ऑर्डर ऑर्डर नहीं दिया था मैं आप लोग को, तो अपना स्टोरी सुना रहा था कल मेरे साथ क्या हुआ था। तो आप लोग बताना कि आप लोग के साथ ऐसा कुछ कभी हुआ है या नहीं हुआ है, तो काइंडली में कमेंट करना, एंड वीडियो कैसा लगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई, और एक लाइक तो बनता है, एंड इस वीडियो को भाई जितना हो सके भाई फेमस कर दो, बिकॉज इस वीडियो को रैपिडो ऑफिस तक पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं ना, तो हो सके खुदा न खासा आप लोग भी कहीं ना कहीं उस चक्कर में फंस भी सकते हो। तो इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग फैला दो भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना भाई। देखो आप लोगों के लिए मैं कहाँ कहाँ से वीडियो कंटेंट जो है करता हूँ, कितना दूर दूर जाता हूँ बस इस वीडियो बनाने के चक्कर में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए थोड़ा, और भाई को सपोर्ट एंड प्यार दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू सून गाइज। एक गुड न्यूज़ है, अभी जस्ट मैं मतलब अपने दुकान पे आ गया, तो अभी वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं दुकान पे आया, एंड मेरे को अभी एक अपडेट आ चुका है कि आपका पैसा जो आपको एडजस्टमेंट कर दिया गया है। तो 275 रुपीज़ का वो पार्सल था, एंड मेरे को 219 रुपये का मिल चुका है हमारे रैपिडो के एप्लीकेशन में, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई चलो आप लोग, मैं ये चीज़ आप लोग को अलर्ट कर दिया कि आप लोग भी के साथ भी कभी भी ऐसा हो सकता है, तो काइंडली इस चीज़ को पूरा समझ लो, और आप लोग भी ऐसे ही फॉलो करना, मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड ये देखो एडजस्टमेंट नाम से लिखा हुआ है 10:48, एंड वीडियो बन अभी जस्ट 10 मिनट पहले ऐड हुआ हमारे अकाउंट में भाई। बहुत मतलब क्या बोलूँ, यहाँ पे लिखा भी है अबाउटेड कस्टमर नॉट फिस्ट रिस्ट, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि जो रैपिडो में ऑफिस में मैं गया था ना, भैया ने काफ़ी हेल्प किया था भाई, उन्होंने ही जो मेल वगैरह किया, तो आई थिंक ये पैसा आ चुका है। चलो 219 रुपये, कोई बात नहीं, मेरा फ्यूल का पैसा एटलीस्ट निकल चुका है भाई। आप लोग के साथ भी कभी कुछ ऐसा होता है तो काइंडली इस चीज़ को ध्यान रखना, एंड यही चीज़ को फॉलो करना, तो भाई वायरल कर दो इस वीडियो को पूरा।